आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी या नहीं? आ रही होगी। तो आज रिजा भी आई है हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मैंने जो भी बोला है ना वो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हुआ है, तो आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कह रही थी कि आज रिजा आई है, उसको अपना प्रोजेक्ट बनवाना था तो वो हॉस्पिटल में ही रुकने आई है, तो मैं उसको कुछ खिला रही हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ स्टारबक्स आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का डेकोरेशन। वही तो, बहुत अच्छा, लाइट्स अच्छी है। और ये तुम आज पहली बार कुछ खा रही हो फ्रेंड्स। इसको ना चिकन का कुछ भी नहीं चाहिए था, तो वेज में ये क्या है, छोले पनीर कुलचा। और ये मैंने लिया है कॉफ़ी, और इसने लिया है ये चॉकलेट डोसा। डेकोरेशन कैसा लगा? वो तो लाइट तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आओगी यहाँ पे दोबारा? दोबारा यहाँ आना चाहो। देखो वैलेंटाइन डे था तो ये रोज वो बलून पे जगह। कैसा? अच्छा। पक्का समोसे जैसा है ना? मैं स्टारबक्स कैसे बिहेव करी उसमें पहली बार आई हूँ मैं। जब से एक अच्छी फोटो नहीं आ रही है फ्रेंड्स, मैं सोचा आए तो कुछ आउट मतलब फोटो क्लिक कर ले, लेकिन अब बंद कर देते हैं, अब खा लेते हैं, फिर वापस साथ जाके रूम में जा रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे जो बलून्स का डेकोरेशन है ना वैलेंटाइन्स की वजह से, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा कोई वैलेंटाइन तो नहीं था लेकिन हमने खूब अकेले में अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया ना रिजा। हाँ बहुत। वैसे तुम ये बताओ वैलेंटाइन डे क्या होता है? ये अभी तक नहीं पता। बताओ मत बताओ, यहाँ कोई नहीं है। चलो फ्रेंड्स, हम बच्चों से पूछते हैं कि उनको क्या पता है वैलेंटाइन डे के बारे में। तुम बताओ वैलेंटाइन डे क्या होता है? मैंने किसी से पूछा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। कुछ तो पता होगा, कुछ तो। आज के दिन क्या करते हैं? मतलब आज तो नहीं वैलेंटाइन डे, लेकिन क्या करते हैं? जो भी बताओ उतना बताओ, क्या होता है, कब आता है? 14th फेब। हाँ, फिर क्या करते हैं उस दिन? उसमें केक काटते हैं। केक काटते हैं और डेकोरेशन करते हैं। अच्छा, तो वैलेंटाइन डे के दिन डेकोरेशन करते हैं, बाकी दिन बर्थडे में भी तो डेकोरेशन करते हैं। देखो डेकोरेशन और केक तो बर्थडे में भी करते हैं, तो वैलेंटाइन डे अलग क्यों? नहीं पता। और क्या करते हैं वैलेंटाइन डे पे? और जोर से बोलो। नहीं इतना नहीं कुछ तो पता होगा। मैंने आज तक पता ही नहीं, मैंने कभी पूछा ही नहीं कुछ भी। क्यों नहीं पूछा? तुम्हें पता होना चाहिए। क्या होता है अभी बताओ। तुमने हमें विश क्यों नहीं किया वैलेंटाइन से? वैसे हर चीज़ विश करती हो, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, तो वैलेंटाइन डे क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता। फ्रेंड्स को पता है वैलेंटाइन डे? नहीं, किसी को नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं, हम रात में जाके बताते हैं रिजा को वैलेंटाइन डे क्या होता है। उससे पहले हम अम्मी से भी पूछेंगे कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, ठीक है? बिहार नहीं वरना उससे भी पूछते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टारबक्स जो है ना वो हॉस्पिटल से 10 कदम की दूरी पर है, और आज ये कुछ खा के भी नहीं आई थी, तो हमने सोचा इसको कुछ खिला भी देते हैं और पहली बार इसको स्टारबक्स भी दिखा देते हैं, है ना? किस कर रहे थे आपका? तो फ्रेंड्स, अभी हमारा यहाँ पे डिनर हो रहा है, बाहर से खाना मंगाया है। यहाँ पे एक हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था, तो उसका यही पास में ही था। अभी तक तो हम जब से आए तब से घर का ही खाना खा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो। और ये ब्लैंकेट हम लोग घर से लेके आए थे, ये बेड हॉस्पिटल की तरफ से था, इसमें अम्मी लेट गई, यहाँ पे पापा सो रहे हैं। और जो ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ने के लिए लेके आए थे उसे हमने इस तरह से नीचे बिछा लिया है। रिजा और मैं लेट जाएंगे, रिजा का प्रोजेक्ट भी बनाना था इसलिए लैपटॉप रखा हुआ है। रात हो गई है और रात में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे कांच से बाहर देखना, गाड़ियाँ रात भर चलती रहती हैं। और अब ये सुबह हो गई है। रिजा उठ जाओ, रिजा उठ जाओ। हेलो, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? सैंडविच, इडली, डोसा, उपमा, पोहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या पी रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं पी रही थी नम्या का अनर्तवा सिरप फॉर डिलेड एंड इरेगुलर पीरियड्स। दिख रहा है आपको?
तो फ्रेंड जैसे कि आजकल हम सबका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा सीवियर क्रैम्प्स हो जाते हैं। हमें हमेशा ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने ये लेना शुरू किया है, नम्या का अनर्थवा सीरम। आई नो गर्ल्स ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ है, हम इसे किसी के साथ शेयर करने से बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, किसी को बताते नहीं और ख़ुद में ही प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं, लेकिन पेन किलर्स और ये रोल ऑन्स इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये नम्या का आयुर्वेदिक सिरप लेना शुरू किया है और ये कम्प्लीटली सेफ है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ों से बना है। तो ये सिरप ना फ्रेंड्स नेचुरली हमारे पीरियड साइकिल को रेगुलेट करेगा, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करेगा। आप इसको 1 मंथ कंटिन्यू लेके देखें, आपको डिफरेंस ज़रूर फील होगा और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और फ्रेंड्स इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। लीजा क्या सोच रही हो? देख रही हूँ। यहाँ से देखना अच्छा लगता है ना? लगता नहीं है कि हॉस्पिटल में है। अम्मी कुछ खा लो अभी। क्यों? कुछ तो खा लो अभी, जल्दी जाओ। क्या कटल है? आगे है, कटल भी है। देखो देखो जल्दी जाओ। कैसे देखेगा मुझे? सबसे आगे वाली सीट पे। नहीं अभी नीचे जाके सब चलो मिलके आए हैं। वो रिजस भी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि भाई भाभी आ गए थे और नीचे कलर कार में बैठा था, तो अभी भाई भाभी आए हैं और आज हमें पापा को घर भी लेके जाना है। क्या है? पापा की है। वो वाला मंगाना चाहिए ना भाई, वो फोम वाला। क्या करें वो क्यों फोमिंग, वो अच्छा नहीं होता। आप से फोम लगाते हो, इतनी बड़ी भी नहीं काम कर रहे हो, थोड़ा ये मुलायम तो ऐसे लग रहा है। अच्छा वो कम वो होता है। अच्छा बोले बाल कटने वाली छोटी सी है इससे छोटी वाली है। भाई को ये शर्ट इतनी अच्छी लगती है कि निशान में भी पहन ले, या भूल गए वो? हाथ नहीं पोछना, मुंह नहीं पोछना। अरे पोछ लो, कुछ नहीं बोलूंगी। लो 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 पोछ लो, लो। उठो एक मिनट, अब उठ के बैठो। हॉस्पिटल से बाय बाय। जा रहे हैं 2 महीने के लिए। चलो चलो अम्मी हम लोग आ रहे हैं फिर। हाँ अल्लाह हाफिज।
तो अभी हम लोगों का डिस्चार्ज का टाइम आ गया है। पापा इतने ठीक नहीं है कि वो कार में बैठ के जा सकें, और अब ये रूम को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और यही दुआ है कि इस रूम में अब जो भी आए वो एकदम इसी तरह ठीक हो के जाए। और पापा भी ये देखिए एम्बुलेंस में लेटे हैं। अल्लाह, एम्बुलेंस में सच में बहुत ही घबराहट होती है। अल्लाह सबको अच्छा रखे हमेशा हमेशा हमेशा, आमीन। और अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। वैसे तो अल्लाह हर जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारी अल्लाह की चीज़ें रखी हैं, तो अल्लाह को थैंक यू कहना था। और ये सारी चीज़ें देखिए पार्सल्स आ गए हैं, अभी इनको अनबॉक्स करना है, बहुत सारा काम है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और अभी देखिए भाई यहाँ पे पापा को एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना उनके लिए ठीक होगा, तो हम लोग उनको दिन में 3 बार एक्सरसाइज कराते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अच्छे से घर आ गए हैं। पापा भी पहले से भी बहुत ठीक हैं, एकदम ठीक नहीं हुए, उनको टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे रिकवरी में, लेकिन वो पहले से ठीक हैं। और फ्रेंड्स मैंने उस दिन एंडिंग नहीं शूट की थी, क्योंकि हम लोग इतने डेज हॉस्पिटल में रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग अजीब ही हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि अभी आप सबको अपडेट करते हैं कि किस तरह से पापा डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए, कैसे हैं। और आप ये देखिए पीछे कितना सारा काम हो गया है, और ये सारी चीज़ों को अनबॉक्स करना, इनकी फ़ोटोज़ डालनी है, कितने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिखाऊँगी। और ये पीछे देखिए रिंग लाइट्स भी आई हुई हैं, ये बहुत अच्छी हैं, भाई भाभी ने मंगाई हैं। अभी मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब से ये आई थी 15 दिन हो गए, और बिल्कुल भी मन ही नहीं था कि इन्हें खोलो, इनका वीडियो बनाओ, क्या करो, तो तब से ये रखी है। मैं इन्हें ओपन करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मुझे कैसी लगी है। वो दिल से थैंक यू कि आप सब ने इतनी सारी दुआएं की पापा के लिए। अभी और दुआओं में रखी है उनको अपने, कि वो और जल्दी ठीक हो जाएं, खुद से चलने लगे बिना सहारे के। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और बस बस जितना भी कह सकूँ उतने ही बार आप सबका थैंक यू, आपने फैमिली की तरह इतनी सारी दुआएं दी हैं जिसका हम कभी भी शुक्रिया जितना भी करें वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आगे भी उनको ऐसी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।